शिखा। दोस्तों मेरे चैनल को इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए, मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस। आप बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, मेरे काम को अप्रिशिएट करते रहिए। मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी हेल्थ से और वेट लॉस से रिलेटेड बहुत सारी सुपर्ब वीडियोस। गाइस आज हम बात करेंगे होल व्हीट ब्रेड के बारे में जो आपको वेट लॉस भी देगी। गाइस कई बार क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम्स मैं अपने ब्रेकफास्ट में अपनी वेट लॉस मल्टीग्रेन चपाती लेती हूँ सीजनल वेजिटेबल्स के साथ, मगर कई बार मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ यार, तो मैं उसको स्विच करती हूँ सैंडविच के साथ, हेल्दी वेट लॉस सैंडविच के साथ। मगर जो ब्रेड हम मार्केट से लेकर आते हैं, जो सो कॉल्ड होल व्हीट ब्रेड होती है या मल्टीग्रेन ब्रेड होती है, हम जो मार्केट से लेकर आते हैं, हम ये सोच कर लेकर आते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, हमें वेट लॉस देगी। मगर कभी आपने नोटिस किया है कि आप उसके पैकेट पर अगर पढ़ें कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो पहली बात तो उसके अंदर मैदा भी इंक्लूडेड होता है। दूसरी चीज़ उसके अंदर होते हैं बहुत सारे केमिकल्स, यानी प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स और ये सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसके मार्केट से परचेज करे हुए ब्रेड को यूज़ करने के बजाय हम घर पर ही अपनी होल व्हीट ब्रेड बनाएं, तो एटलीस्ट हमें ये पता होगा कि हमने उसके अंदर क्या क्या डाला है। तो मैं जब मैंने ब्रेड बनानी शुरू करी थी घर पर, तो मैं ये सोचती थी यार घर पे ब्रेड बनाना कितना मुश्किल होगा, बट जब मैंने उसको बनाया तो मुझे पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा क्विकली बन जाती है यार घर पे ब्रेड। तो मैंने फिर उसके बाद से घर पर ही ब्रेड बनाना शुरू करी। एटलीस्ट मुझे पता है कि उसके अंदर अगर मैं बोल रही हूँ कि वो होल व्हीट है तो वो होल व्हीट है और उसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं है, वो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है, तो वो डेफिनेटली मुझे वेट लॉस देगी। तो आज हम बात करेंगे होममेड होल व्हीट वेट लॉस ब्रेड के बारे में और मैं बताऊँगी आपको उसकी रेसिपी। गाइस ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, उसके अंदर मैं हाफ कप स्किम्ड मिल्क ले रही हूँ। ये थोड़ा गुनगुना दूध है, वॉर्म है, ये इसको बोल में डाल देंगे। एक छोटा चम्मच चीनी डाल रही हूँ मैं इसमें, शुगर। दो बड़े चम्मच मैं इसमें इंस्टेंट ड्राई यीस्ट डाल रही हूँ, ये किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हो, इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। बोल में हमने हाफ कप स्किम्ड मिल्क लिया है, थोड़ा सा वार्म, एक चम्मच चीनी डाली है और दो चम्मच इंस्टेंट ड्राई यीस्ट डाला है। अब इसको कवर करके 15-20 मिनट्स के लिए कहीं रख देंगे साइड पे। 15-20 मिनट्स बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये यीस्ट एक्टिवेट हो गया है। कैसे पता लगेगा? ये थोड़ा सा फ्रॉथी हो गया है, थोड़ी सी झाग बन गई है इसमें। ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका मतलब आपका यीस्ट सही है, ऐसा हो जाएगा ये। अब एक बोल में मैंने यहाँ पे 4 कप्स होल व्हीट फ्लार ले लिया है, गेहूं का आटा 4 कप। अब बीच में थोड़ी सी जगह बना लूँगी मैं और यहाँ पे जो यीस्ट हमने प्रिपेयर करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा, एक पिंच जितना सॉल्ट ले रही हूँ। 2 बड़े चम्मच यहाँ पे फ्लैक्स सीड पाउडर ले रही हूँ मैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिक्स करते जाएंगे और आटा मिक्स कर देंगे हम, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे। ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको हाथ से नीड कर लूँगी मैं, अच्छे से गूंद लेंगे इसे हम। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट डो बन गया है। इसको एक गीले कपड़े से कवर करके किचन में किसी वार्म जगह पर रख देंगे हम अराउंड 1-2 आवर्स के लिए। अब 1-2 घंटे हो गए हैं, ये साइज में डबल हो गया है, फूल गया है ये। अब इसको थोड़ा हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब इसको एक बोर्ड पे रख के अच्छे से मैं नीड कर दूंगी दोबारा से, अच्छे से गूंद लेंगे इसको, फ्लैट कर देंगे। अब ये जो हमारा आटा है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी मैं। एक जो छोटा पार्ट है उसको मैं एक छोटे से बॉल में बना लूंगी, और कोई भी प्लेट ले लीजिए आप, कोई भी स्टील की प्लेट है अगर आपके पास, तो एक छोटा सा बॉल बना के बस उस प्लेट पे हम रख देंगे और इसको हम कढ़ाई में कुक करेंगे
और जो दूसरा पार्ट है उसको मैं अवन में कुक, इस प्लेट पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे हम, ताकि ये डो इसके ऊपर चिपके नहीं। अब ये जो राउंड बॉल बनाया है हमने, थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे हम और एक मॉइस्ट कपड़े से इसको ढककर हम साइड पर रख देंगे अराउंड आधे एक घंटे के लिए। अब ये जो दूसरा पार्ट है आटे का, इसको हम फ्लैट करके एक लॉग शेप में बना लेंगे। इसको फ्लैट कर दिया है अब मैंने, इसके साइड्स को फोल्ड कर रही हूँ मैं चारों तरफ से। अब इसको एक लॉग बना लिया है मैंने, एक बेकिंग टिन ले लिया है मैंने, उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है, अच्छे से कवर कर दिया है चारों तरफ से और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। अगर आपके पास बेकिंग टिन नहीं है तो आप कोई भी स्टील का कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसको अच्छे से फ्लैट कर दूंगी मैं, पूरा बेस पर अच्छे से प्रेस कर दूंगी। इसको भी एक मॉइस्ट कपड़े से ढक के आधा से एक घंटा मैं साइड पर रख दूंगी। अब एक घंटा हो गया है, ये जो आटा है हमारा ये और भी ज़्यादा फूल गया है, आप देख रहे हो कितना सॉफ्ट हो गया है ये देखिए। अब इन दोनों के ऊपर मैं एक ब्रश से थोड़ा सा मिल्क लगा दूंगी, थोड़ा दूध लगा दूंगी, जिससे हमारी जो ब्रेड है वो ऊपर से ब्राउन हो जाएगी। अब इसमें मैं कट्स बना दूंगी जो हमारी राउंड ब्रेड है उसके ऊपर, जिससे कि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी। थोड़े से मिक्स सीड्स मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स और मेलन सीड्स का मिक्स है, दोनों के ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब ये कढ़ाई मैंने प्री हीट कर ली है ढक के, ये गर्म है, इसके अंदर मैं एक स्टैंड रख दूंगी। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी प्लेट या कटोरी रख सकते हैं। अब ये प्लेट जो राउंड ब्रेड वाली है मैं इसमें रख के और इसको कवर कर दूंगी। 30-35 मिनट्स के लिए इसको कुक कर लेंगे, आप इसको 30 मिनट्स बाद चेक ज़रूर कर लीजिए। ध्यान रखना है कि प्लेट अच्छे से कढ़ाई को कवर करे और कोई भी स्टीम यहाँ से बाहर ना निकले, नहीं तो ब्रेड अच्छे से कुक नहीं होगी। अब 30-35 मिनट्स हो गए हैं, मैं इसकी लिड हटा रही हूँ और ये ब्रेड यहाँ पे बहुत अच्छे से कुक हो गई है, देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हो गई है ये। एक नाइफ से मैं चेक कर लूँगी कि अच्छे से कुक हो गई है कि नहीं, अगर नाइफ बिल्कुल क्लीन बाहर निकलता है तो इसका मतलब ये कुक हो गई है, और अगर कोई आटा चिपका होता है उसके ऊपर तो इसका मतलब वो कुक नहीं हुई है। यहाँ पे नाइफ बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब मेरी ब्रेड अच्छे से कुक हो गई है। अब मैं इसे कट कर लूँगी, प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मैं। अब इसको कट कर लेते हैं, इसकी पतली पतली स्लाइसेस काट रही हूँ मैं। वाओ गाइस, जस्ट लुक एट इट, कितनी स्पॉन्जी बनी है ये, कितनी सॉफ्ट है, बहुत ही अमेजिंग बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करो। इट्स एब्सोल्युटली रेडी, हमारी ब्रेड बिल्कुल रेडी है, इट्स एब्सोल्युटली डिलिशियस। गाइज लुक एट दिस वन, ये मेरी दूसरी ब्रेड है जिसको मैंने बेकिंग टिन में कुक किया है अवन के अंदर, प्री हीटेड अवन 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैंने उसे 30-35 मिनट्स के लिए कुक किया है। और ये देखिए, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, इतनी अच्छी ब्रेड हमारे घर में कुक हो सकती है, एंड दैट टू सो हाइजीनिकली कुक्ड, एंड दैट टू विदाउट मैदा, विदाउट एनी केमिकल्स, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर वेट लॉस। ये होल वीट की ब्रेड है गाइस, कैन यू बिलीव इट, ये हमने घर में खुद बनाई है। इसके स्लाइसेस कट कर लेती हूँ मैं, एंड इट इज़ सो हेल्दी, इसके अंदर कोई भी मैदा नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ऑफ होल वीट एंड वेरी वेरी गुड फॉर वेट लॉस। लुक एट दिस, कितनी सॉफ्ट, कितनी स्पॉन्जी बनी है हमारी ब्रेड, कैन यू बिलीव इट, सी दिस। तो है ना गाइस, कितनी सिंपल, इसको आप ज़रूर ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, आई एम श्योर उसके बाद अपनी ब्रेड आप घर पर ही बनाओगे, क्योंकि ये बनती है बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से, बहुत ही ज़्यादा फटाफट, और ये टेस्ट करती है मार्केट वाली ब्रेड से ज़्यादा सुपर्ब। गाइस
कभी भी आप जल्दी में हो तो फटाफट एक सैंडविच ग्रैब करा और उसके बाद आप निकल गए, लेकिन अपना ब्रेकफास्ट मिस नहीं किया, या आप अपने लंच में पैक करके लेके जा सकते हैं, तो इससे बहुत बढ़िया सैंडविचेस बन जाते हैं. और आपको पता है कि आपकी ब्रेड में कोई भी केमिकल्स नहीं है और कोई भी मैदा नहीं है. तो गाइज आप इसको ट्राई ज़रूर करो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको ये कैसी लगी. और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, और उसके साथ जो बेल बटन है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं लेकर आती रहती हूँ आपके लिए ऐसी ही सुपर्ब रेसिपीज और बहुत सारे वेट लॉस के लिए सुपर्ब डाइट प्लान्स. अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी. तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, अरे भाई अब ब्रेड तो बन गई, अब सैंडविच भी तो बनाना है, वेट लॉस सैंडविच की रेसिपी. और उसके ऊपर हम वो मार्केट वाले स्प्रेड्स नहीं यूज़ करेंगे अपना वेट बढ़ाने के लिए, मैं आपके लिए लेके आऊँगी यमी होममेड चटनी की रेसिपी. तो मिलती है अपनी अगली वीडियो में, बाय गाइस.